A very good morning, friend. This is Nitin Mohan Lal. मैं एक NLP life coach हूँ और आज का जो मेरा help talk रहेगा वो related रहेगा. बहुत से लोग कहते हैं कि present में issues चल रहे हैं. आज का help talk मेरा वही रहेगा कि किस तरह से आप अपने present issues पे Swish technique लगाइए, जो कि एक NLP की technique है. किस तरह से हम उसको लगाने से अपने present issues पे काम करेंगे, आज आप लोग ये सीखेंगे. तो स्विश टेक्निक के अंदर ये ध्यान रखिए, एनएलपी के जो हमारे क्रिएटर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें स्विश आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे को एनएलपी आती है. कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत आसान टेक्निक से जो आज आपके साथ शेयर करूंगा. एग्जाम्पल के तौर पर स्टेप्स इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा. इसके अंदर पहला स्टेप्स होता है हमारे पास कि अगर कभी ये होता है कि हमारे पास, ध्यान रखिएगा, स्टेप वन में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमें एक्सप्लोर करनी है अपनी जो भी क्यू इमेज आती है. क्या मतलब हुआ क्यू इमेज का? इमेज का मतलब हुआ कि जो भी हमें, अगर हमें माइग्रेन है तो माइग्रेन जब शुरू होता है उस टाइम पे सबसे पहली इमेज जो आ रही है उसे हम क्यू इमेज कहेंगे. यानी जब हम कहते हैं हमारा सर फटने वाला है, वो ये पहली इमेज हमारी क्यू इमेज होगी. जब भी आप लोग कहते हैं कि मुझे एलर्जी है तो पहला पूछेगा पहला क्यू इमेज क्या है, कि आप कहेंगे जैसे मुझे एलर्जी होती है वैसे मुझे छींके आने शुरू हो जाती है. तो पहला जो आपका क्यू इमेज है वो आपकी यहाँ पर होगी छींके आना, जो आपका शुरू हुआ है. अगर आप कहते हैं मुझे कोई क्यू इमेज आती नहीं, यानी मैं, मेरे को कोई इमेज ही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैं मोटापा है, मुझे, मैं मोटा हूँ, मेरी कोई इमेज ही नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी की इमेज ले लो. आप कहते हो एनजाइटी है तो ठीक है अभी की इमेज ले लो. मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, अभी की इमेज ले लो. मुझे डायबिटीज है, अभी की इमेज ले लो. अगर आप ये स्विश टेक्निक सीखते हैं तो कुछ इस तरह से आप हेल्प कर पाएंगे लोगों की, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी. तो आज हम लोग इसको इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप टू क्या होता है इसके अंदर. अब हमें यहाँ पे देखना है कि अपने आप को आप देखिए थोड़ा दूरी पे, एक आप खुद अपने आप को देखिए, एक अदर यू के नाम पे, एक हेल्दी यू के नाम पे, एक डिवाइन यू के नाम पे आप देखिए अपने आप को और देखिए कि अदर यू हैज लर्नड दिस बिहेवियर. मतलब जो भी आपके इश्यू चल रहे हैं, अदर यू हैज लर्नड हाउ टू डील विद द सिचुएशन. ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, इश्यू चलते हैं, किस तरह से हमें उसको हील करना है, कैसे हम लोगों को ट्रीट करना है, वो डिवाइन यू यानी अदर यू को पता है. आपको नहीं पता एक अलग बात है, उसको पता है. उसको देखिए बेनिफिट्स को एंजॉय करते हुए, कि वो बेनिफिट्स, अगर आप समझिए आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, उसको देखिए कि उसके पैसे की प्रॉब्लम नहीं है. अब वो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको वो एंजॉय कर रहा होगा, वो सब आप उसके बेनिफिट्स को देखिए. अगर आप कहते हैं मैं हेल्दी नहीं हूं, देखिए उसको एक हेल्दी. अगर आप कहते हैं मेरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको देखिए उसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है और देखिए वो किस तरह के बेनिफिट्स को एंजॉय करेगा और उसे अर्थराइटिस नहीं होगा. वो भागेगा, कूदेगा, नाचेगा, झूमेगा, कूदेगा, ये सब बेनिफिट्स वो एंजॉय कर पाएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट होता है जब स्टेप थर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट का मतलब होता है गले लगा लेना, समा जाना उसके साथ. तीसरे स्टेप में हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे. एक बार ये इंटीग्रेशन हो गया तो आप खुद फील करेंगे अलग से. कई बार इसमें रोना भी आता है. इंटीग्रेट का मतलब होता है करना कब है आपने ये थर्ड स्टेप, जब आपका ये सेकंड स्टेप बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी जब आपने ये लगने लग जाए कि जो दूसरा यू है यानी अदर यू है या डिवाइन यू, उसने सारी तरह से वो चीजें सीख ली है, आप देख लेंगे कि हाँ वो एक पीक को आप इंजॉय कर लेंगे और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे. यानी पीछे की जो क्यू इमेज है उसके बाद आप लेकर आएंगे और उसको स्विच लगाएंगे. नाउ स्विच का मतलब क्या है कि अगर जो भी आपके पास अभी की करंट इमेज आपकी लाइफ में चल रही है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उस इमेज को देखिए कि पैसा नहीं है और उसके ऊपर ये अमीर आदमी यानी एक जो अदर यू है उसको आप आगे ले आइए और पीछे को हटा दीजिए. यानी पीछे वाली जो इमेज है यानी अभी जो प्रेजेंट इमेज है, जो क्यू इमेज है, इसको जो आप खत्म कर देंगे और इसको आप बड़ा कर देंगे. आप इसको कर लीजिएगा, आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी में चेंज आपको देखेंगे. हमारे न्यूरॉन्स एक्चुअली में हमारे को इंपॉर्टेंट है उनको मनाना. एक बार ये पिक्चर आपकी क्रिएट हो जाएगी, एक अच्छे से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. एंड दैट इज द पावर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. मेरे रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की 2 दिन के वर्कशॉप होते हैं ऑल इंडिया वाइज के अंदर. आप लोग कभी भी आके अटेंड कर सकते हैं. आप लोग अपने फीडबैक्स को मेरे 9953554121 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे डाल सकते हैं. अगर आप लोग ब्रॉडकास्ट में मेरी ऐड होना चाहते हैं, आप लोग ऑफकोर्स ये यहाँ पर आके आप लोग ऐड भी हो सकते हैं. और स्पेशली मैं हेल्प टॉक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमेशा मुझे इनवाइट करते हैं नए नए टॉक देने पे. आप लोग मेरे और भी वीडियोस मेरे नितिन मोहन लाल के चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ 200 से ऊपर वीडियोस इसी से अपनी NLP और दूसरी मेरी स्पिरिचुअल मॉडलिटीज के ऊपर है. मैं आपका सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सो मच.